हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं महाराष्ट्र बोर्ड हिंदी का लेसन नंबर 8, बच्चों बनो महान, उसका स्वाध्याय। चलिए पहला क्वेश्चन, सुनो समझो और दोहराओ। यहाँ पे सुनना है, समझना है, दोहराना है, ये वर्ड्स दिए गए, हमें पढ़ने हैं। तो चलिए मैं शुरू करती हूँ। प्रायः, प्रातः, अतः, सामान्तः, मुख्यतः, स्वतः, पुनः, निःशुल्क, निसंकोच, प्रथमतः। बच्चों ये जो शब्द मैंने अभी पढ़े वो अह वाले शब्द हैं। तो ये जो आप दो बिंदु देख रहे हैं, य के पीछे दो बिंदु, त के पीछे दो बिंदु, त के पीछे बिंदु, त के पीछे बिंदु, त के पीछे बिंदु, त के पीछे बिंदु, न के पीछे दो बिंदु, न नी के पीछे दो बिंदु, नी के पीछे दो बिंदु, त के पीछे दो बिंदु। तो ये जो दो बिंदु है ना, अह की निशानी है, अह के लिए इस्तेमाल होता है। तो हमें पढ़ते टाइम ह का साउंड निकालना है। तो चलिए दूसरा क्वेश्चन पढ़ते हैं। पढ़ो और समझो। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ये वाक्य बच्चों हमें बताना है, ये वाक्य जो है किसने बोला है। तो बच्चों ये जो वाक्य है, ये हमारे स्वतंत्रता सेनानी सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा है। वो बहुत बड़े महान नेता थे, तो ये वाक्य उन्होंने कहा है। दूसरा है, आराम हराम है। यह वाक्य हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा बोले गए हैं। उसके बाद है वंदे मातरम। ये जो वंदे मातरम है, ये हमारा राष्ट्रगीत है। तो ये राष्ट्रगीत लिखा था बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने। चौथा, स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। ये वाक्य बाल गंगाधर तिलक जी ने कहे हैं। वो हमारे देश के स्वतंत्रता सेनानी थे। क्वेश्चन 3, पंक्ति पूर्ण करो। अब यहाँ पे जो अभियान गीत था बच्चों बनो महान, उस गीत के लाइन दिए गए हैं। यहाँ पे ब्लैंक है, यहाँ पे भरना है आपको। मैंने पहले से ही आप लोग के लिए भर के रखा है, तो मैं आप लोग के लिए पढ़ लेती हूँ। बच्चों पहला है, निर्बल के तुम बनो सहायक, यहाँ पे पड़ेगा सहायक। दूसरा, दुखियों के दुख में सुखदायक, तो हमें दुखियों के दुख में क्या होना है, सुखदायक, तो यहाँ पड़ेगा सुखदायक। तीसरा, गुरु का सदा करो सम्मान, तो यहाँ पड़ेगा बच्चों सम्मान शब्द। तो ऐसे करके आप लोग को भी यहाँ पे ब्लैंक्स में भरना है। चौथा क्वेश्चन, इनके कार्य बताओ। यहाँ पे नाम दिए गए इनके हमें कार्य, ये क्या काम करते हैं बच्चों हमें बताना है। पहला है वैज्ञानिक, तो वैज्ञानिक क्या करता है, वैज्ञानिक मतलब साइंटिस्ट। साइंटिस्ट क्या करते हैं, विज्ञान के नए आविष्कार करते हैं। तो हम लिखेंगे विज्ञान के नए आविष्कार करना इनका काम है। दूसरा, शिक्षक, शिक्षक मतलब टीचर। टीचर क्या करते हैं, शिक्षा प्रदान करना इनका काम है। तो हम लिखेंगे शिक्षा प्रदान करना। तीसरा, किसान, किसान क्या करते हैं, किसान मतलब फार्मर। फार्मर क्या करते हैं, खेती करते। तो हम यहाँ पे लिखेंगे खेती करना। उसके बाद है सैनिक। सैनिक कौन होते हैं, जो देश की रक्षा करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे देश की रक्षा करना। तो जो जिसका काम है हमें यहाँ पे भरना है बच्चों। छवा, प्रस्तुत कविता में हमें क्या प्रेरणा मिलती है लिखो। मतलब ये हमें, ये जो कविता है बच्चों बनो महान, इस कविता से हमें क्या प्रेरणा मिलती है लिखना है। तो मैंने लिख कर रखा है, मैं पढ़ती हूँ। प्रस्तुत कविता से हमें अपने माता पिता की आज्ञा मानने की प्रेरणा मिलती है। बच्चों ये कविता से हम लोग ने सीखा कि हमें अपने माता पिता का कहना मानना चाहिए, उनकी आज्ञा माननी चाहिए, ये हमें प्रेरणा मिलती है।
उसके बाद गुरु का सदा सम्मान करने की प्रेरणा मिलती है। मतलब हमें हमेशा अपने गुरु जो हैं, शिक्षक जो हैं, जो हमें शिक्षा प्रदान करते हैं, उनका हमेशा सम्मान करना है, तो उसकी प्रेरणा भी हमें इस कविता से मिलती है। और बच्चों को महान बनने की प्रेरणा मिलती है। इस गीत से क्या क्या प्रेरणा मिलती है? ये माता पिता की आज्ञा माननी है, गुरु के सदा सम्मान करना है, और बच्चों को महान बनने की प्रेरणा मिलती है। ये देखिए कबीर और ये मीरा। अब कबीर पूछ रहे हैं, तुम बड़े होकर क्या बनना चाहते हो? तो ये बच्चों आपको कबीर को बताना है। और दूसरा मीरा पूछ रही, तुम्हारे पिताजी कौन सा कार्य करते हैं? पिताजी मतलब फादर, तो आपके फादर जो काम करते हैं वो मीरा को बताना है। तो यहाँ पे हमारा वीडियो बच्चों बनो महान का स्वाध्याय पूरा हो गया। कैसा लगा मेरा वीडियो? अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बच्चों। थैंक यू बच्चों।